यूपी के लखनऊ में कोलकाता जा रहे एयर एशिया की एक फ्लाइट की रविवार को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल फ्लाइट की उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एक पक्षी विमान से टकरा गया, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से विमान को लखनऊ में ही वापस उतार दिया गया। माना जा रहा है कि पक्षी के टकराने के बाद बड़ा हादसा हो सकता था जो टल गया। फिलहाल यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेज दिया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज यानी रविवार 29 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के साथ खत्म हो गई, जहां तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इसके साथ ही उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी वहां मौजूद दिखी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान पूरे इलाके को बैरिकेड्स लगाकर सील कर दिया गया। आसपास की सभी दुकानें बंद करवा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम में देशवासियों को संबोधित करते हुए पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों के जीवन की कहानियां बताई और लोगों से भी उनकी जीवन की कहानियां पढ़ने के लिए अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी संस्कृति में है, सदियों से ये हमारे कामकाज का भी जरूरी हिस्सा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि महिलाओं को सही उम्र में यानी कि 22 से 30 वर्ष के बीच मां बन जाना चाहिए। अपने इस बयान की वजह से हेमंत विवादों में घिर गए हैं, उनकी आलोचना हो रही है। दिल्ली NCR के कई हिस्सों में रविवार को तेज हवाओं के साथ बारिश होने से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। यहां बीते दिनों से ठंड में इजाफा देखा गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर येलो अलर्ट अगले 2 दिन तक जारी कर दिया गया है। पठान हर दिन के साथ बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं इस फिल्म ने KGF 2 और बाहुबली के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। KGF 2 ने 200 करोड़ का आंकड़ा 5 दिन में छुआ था, जबकि बाहुबली को इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 6 दिन का समय लगा था। पठान ने 4 दिनों में तीसरी बार 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है। राजस्थान में देर रात से बदले मौसम ने कहर बरपा दिया है। उदयपुर, सिरोही समेत प्रदेश के कई इलाकों में भारी मात्रा में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सड़कों पर ओलों की वजह से सफेद चादर बिछ गई है। वहीं जयपुर में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। चंडीगढ़ की एक युवा डॉक्टर से नाइजीरियन गैंग ने 47,22,600 रुपए ठग लिए हैं। इस गैंग में भारतीय महिला भी शामिल थी। चंडीगढ़ पुलिस ने दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में रेड कर 4 नाइजीरियन, 1 दुनिया और 1 भारतीय महिला को गिरफ्तार किया है। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की 150 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त होगी। कानपुर से लेकर मुंबई तक अरबों की संपत्ति पुलिस की जांच में सामने आई है। गुनामी संपत्तियों की भी लिस्ट लंबी चौड़ी है, जो दूसरे के नाम खरीदी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन संपत्तियों को अटैच किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये संपत्तियां अवैध तरीके से कमाई गई है। हिमाचल CM सुक्खू के गृह जिला हमीरपुर में जल स्रोतों और वाटर टैंकों के सुपर क्लोरीनेशन करने के आदेश जारी किए गए हैं। हमीरपुर में 2 गांवों रंगस और कंड्रोला में उल्टी, दस्त और बुखार से 300 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जल शक्ति और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गए हैं। मारुति सुजुकी की पेटेंट कंपनी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने अपने 2030 तक लॉन्ग टर्म प्लान शेयर किए हैं, जिसमें इसमें कंपनी ने बताया है कि आने वाले समय में उसका फोकस ग्रीन एनर्जी पर रहेगा। इसके तहत अब वह अपनी कारों को गाय के गोबर से बने बायोगैस पर चलाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहन योजना आएगी, जिसमें प्रदेश के महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदापुरम और बुंदनी में यह बड़ा ऐलान किया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा, नर्मदा जयंती पर नर्मदा तट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता है कि लाडली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाडली बहन योजना भी शुरू होगी, जिसमें निम्न मध्यम आय वर्ग की सभी जाति पंथ वर्ग की मेरी बहनों को 1,000 रुपए माह यानी हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। गहरे आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाई है। इसके साथ ही वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डीजल की कीमत 262 रुपए और केरोसिन 187 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेपर लीक के बाद गुजरात में जूनियर क्लर्क भर्ती परीक्षा रद्द हो गई है। परीक्षा आज 181 रिक्तियों के लिए आयोजित होने वाली थी, जिसमें 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होना था। बड़ौदा पुलिस ने लीक प्रश्न पत्र के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले के सामने आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात में लगभग हर परीक्षा लीक हो जाती है, क्यों? करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुगल गार्डन का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर देश की समस्त जनता जबरदस्त महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि के तनावपूर्ण जीवन से त्रस्त है, जिनके निदान पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय धर्मांतरण, नामांतरण, बॉयकॉट व नफरती भाषण आदि के जरिए लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास घोर अनुचित व अति दुखद है। उन्होंने बताया कि ताजा घटनाक्रम में राष्ट्रपति भवन के मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलने से क्या देश व यहाँ के करोड़ों लोगों की दिन प्रतिदिन की ज्वलंत समस्याएं दूर हो जाएंगी, वरना फिर आम जनता इसे भी सरकार द्वारा अपनी कमियों व विफलताओं पर पर्दा डालने का प्रयास ही मानेगी।